भारत में अल्पसंख्यकों मुसलमानों से मोदी सरकार पर भेदभाव का आरोप कोई नया या चौंकाने वाला नहीं है, लेकिन अमेरिका में पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में मोदी से एक और आखिरी अकेले सवाल में अल्पसंख्यकों से भेदभाव के ही सवाल उठना इस सवाल को और मजबूत बनाता है। अब लोग मोदी से ये पूछ रहे हैं कि आखिर यही सवाल दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश भारत के प्रधानमंत्री से क्यों पूछा गया। कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया सुनेत ने कहा, आज का दिन हमारे इतिहास का वो काला दिन है जब दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र भारत के प्रधानमंत्री से विश्व पटल पर ये पूछा गया कि आप भेदभाव क्यों कर रहे हैं। सुप्रिया आगे कहती हैं, आज का दिन और ये 13 सेकंड का सवाल मोदी को हमेशा याद रहेगा। सूर्य प्रताप सिंह ने कहा, डूब मरने के लिए इतना ही काफी है कि ये सवाल उठ गया। प्रश्न ये है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान धार्मिक असहिष्णुता पर सवाल उठा ही क्यों, शंका व्यक्त ही क्यों की गई, क्योंकि धुआं वही उठता है जहां आग होती है। अब कितना भी स्पष्टीकरण दे लो ये सवाल मोदी तक जिंदा रहेगा। दोस्तों, यूएस स्टेट विजिट पर अमेरिका में प्रधानमंत्री मोदी अपने कार्यकाल के पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए एकमात्र सवाल पूछे जाने की शर्त पर तैयार हो गए, लेकिन इस सवाल में ही अमेरिकी पत्रकार ने मोदी से जो सवाल पूछा उसे अब मोदी पर धब्बा के तौर पर देखा जा रहा है। पत्रकार सबरीना सिद्दीकी ने कहा, भारत को दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र होने में हमेशा गौरव रहा है, लेकिन ऐसे कई मानवाधिकार समूह हैं जो ये कहते हैं कि आपकी सरकार ने धार्मिक अल्पसंख्यकों के साथ भेदभाव किया है और अपने आलोचकों को चुप कराने की कोशिश भी की है। यहाँ व्हाइट हाउस में कई विश्व नेता लोकतंत्र की रक्षा के लिए प्रतिबद्धता आपसे जता रहे हैं। आप और आपकी सरकार अपने देश में मुसलमानों और अन्य अल्पसंख्यकों के अधिकारों में सुधार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता बनाए रखने के लिए आगे क्या कदम उठाने वाले हैं। इस सवाल पर प्रधानमंत्री मोदी ने जो जवाब दिया है, लोग उससे असहमति भी जता रहे हैं। एक्टर प्रकाश राज ने कहा, 9 वर्षों में सिर्फ एक सवाल और उसका जवाब भी इतना सफेद झूठ, शर्म आनी चाहिए। पत्रकार साक्षी जोशी ने कहा, ये सवाल, ये 33 सेकंड और ये अमेरिकी दौरा मोदी जीवन भर कभी भूल नहीं पाएंगे। चेहरे का भाव देख लीजिए। गोदी पत्रकारिता के जमाने में निष्पक्ष रिपोर्टिंग किसी चुनौती से कम नहीं। हमारी हौसला अफजाई के लिए वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। Mr. Prime Minister, India has long prided itself as the world's largest democracy, but there are many human rights groups who say that your government has discriminated against religious minorities and sought to silence its critics. As you stand here in the East Room of the White House, where so many world leaders have made commitments to protecting democracy, what steps are you and your government willing to take to improve the rights of Muslims and other minorities in your country and to uphold free speech?